हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और वेलकम टू माय चैनल आज कंजू जादन। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग्स में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप रद्दी पेपर से ही अपने रद्दी पेपर हैं या बच्चों की कॉपी पुस्तकें होती हैं उनसे आप हैंडमेड पेंसिल बनाकर अपने गांव क्षेत्र में ही सेल करके आप अपना घर बैठे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हैंडमेड पेंसिलों को किस तरह से बनाना है वो सभी कुछ मैं इस वीडियो में बनाना आपको सिखाऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियोस के नीचे जो आपको लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में घंटी जैसा जो बेल आइकॉन का बटन है उसको भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेहनत पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देख लेते फ्रेंड किस तरह से पेंसिल को बनाना है। फ्रेंड्स, ये जो निडिल बनाई हैं और इनके साथ में ये मैंने लिया है पेपर। अब इन पेपर की साइज़ भी उतनी होनी चाहिए जिसमें ये निडिल जो है वो आराम से ये साइज़ इनकी बराबर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह से, और ये निडिल को आप अमेजोन वगैरह से परचेज कर सकते हैं। अब इस तरह से आपको पेपर पर निडिल रख कर इस तरह से गोल गोल राउंड में घुमाना है, इस तरह पूरा पेपर घुमाना है। बस उतना इसकी मोटाई उतनी होनी चाहिए कि ये जो शॉर्पनर है, शॉर्पनर का ये जो साइज होता है इसमें अच्छे से आ जानी चाहिए। अगर इससे थोड़ी सी भी ज़्यादा मोटी होगी तो वो शॉर्पनर में नहीं फंसेगी, पतली होगी तो भी नहीं फंसेगी। तो इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। तो इसकी साइज़ वगैरह आपको नाप के रखनी है। इस तरह से ये निडल है, इसको राउंड शेप में घुमाना है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। ऐसी और वीडियोस के लिए टेक केयर, बाय बाय, मेक इन इंडिया।